हेलो स्टूडेंट्स आई एम सोन को एंड दिस इज द चैप्टर द मुगल एम्पायर क्लास सेवेंथ लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर मैच द लेट्स स्टार्ट द मैच द फॉलोइंग मनसब मैच विद द रैंक मनसब मतलब पद मतलब उसकी क्या रैंक थी मंगोल उज्बेक थे सिसोद राजपूत मेवाड़ से संबंधित थे मेवाड़ राठौर राजपूत जो थे राठौड़ राजपूत वो मारवाड़ से संबंधित थे सिसोदिया मेवाड़ और राठौड़ राजपूत मारवाड़ नूरजहाँ का नाम जहांगीर था नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी सॉरी और सूबेदार जो था वो गवर्नर को कहा जाता था सूबेदार गवर्नर फिल इन द ब्लैं आपको ये जो ब्लैंक दिए गए हैं स्पोर्ट्स इनमें आपको फिल करना है चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस ए सबसे पहले आपका ए द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर हा ब्रोदर वॉज काबुल काबुल बी दी फाइव डेक्कन सुल्तान सुल सल्तनत बिरार, खंदेश अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकुंडा सी इफ जात, डेटरमाइ ए मंसबदार्स रैंक एंड सैलरी सावर इंडिकेट्स हिज नंबर ऑफ कैवलरी मैन नंबर डी फजल अकबर फ्रेंड एंड Counsellor helped him frame the idea of Sulhakul so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes. ji, The next question is what were the central provinces under the control of Mughals? Central provinces under the control of Mughal. आंसर इज द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल वर लाहौर पानीपत डेली मथुरा आगरा अजमेर मारवाड़ मेवाड़ डेक्कन चित्तौड़ लाहौर पानीपत दिल्ली मथुरा आगरा अजमेर मारवाड़ मेवाड़ दक्कन, चित्तौड़ दस टोटल थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मंसबदार एंड द जागीर जागीर और मनसबदार के बीच में क्या संबंध था क्या रिलेशनशिप था आंसर इज रिसीव्ड दियर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट्स कार्ड जागीर जो मनसबदार थे वो अपनी सैलरी जो है ना वो रिवेन्यू से लिया करते थे जिसे जागीर कहा जाता था तो मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर दियर जागीर वो रिसाइड नहीं करते थे अपनी जागीर को ना तो रिसाइड इन करते थे ना एडमिनिस्टर करते थे दे सर्वड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वाहल द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स ठीक है वो सर्वेंट से जब उनके जो सर्वेंट होते थे वो कलेक्ट किया करते थे रिवेन्यू नंबर फाइव आ जाइए नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव चलिए जी वॉट वॉज द रोल ऑफ द ज़मींदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था तो ये आता है आपका फर्स्ट पार्ट रोल ऑफ द जमींदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जमींदार वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज विलेज और पावरफुल चीफटेन्स अपॉइंटेड बाई द मुग़ल एम्पायर एम्प्रर सेकेंड दे प्लेड अ रोल ऑफ सोर्स इन रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एंड दे कल टैक्स टैक्स ऑन द प्रोडूस ऑफ द पिज एंट्री विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स बस ये तीन करेंगे ठीक है ओनली दीज थ्री नथिंग एल्स क्वेश्चन सिक्स आ जाइए क्वेश्चन सिक्स हाउ में हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस चलिए जी आंसर देख लीजिए इसे भी शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा अकबर इंट्रैक्शन विद द पीपल ऑफ़ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्पेसाइड रिचुअल एंड गोड़मा वर ऑफ़न गट्स सेकेंड वन इज द टीचिंग बाई डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स क्रिएटेड डिविजन एंड डिसह हारमोनी अमंगेस्ट दिस सॉरी हिज सब्जेक्ट्स Or, third one is this led to the idea of Sulahkul or universal peace, which means tolerance and not to discriminate between people of different religions in his realm. Okay, and the fifth one, fifth one, this system of governance was later followed by Jahagir and Jahan as well. ठीक है बस ये पांच ही करने हैं चार करने हैं ये फोर्थ नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज वाई डिड मुगल एम्पसाइज दियर टाइमरिड एंड नॉट दियर मंगोल डेंसेंट डेट तो उन्होंने अपने टाइमरीड को क्यों एम्पिस किया अपने जो तैमूर वाले वंशज पे क्यों किया मंगोल वाले पे क्यों नहीं किया तो देख लीजिए थोड़ा इसका ध्यान अच्छे से रखेंगे The Mughal emphasizes their Mongol descent, descent because Chingiz Khan memory was associated with the massacre massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. Okay? On the other hand, they were proud of their tamrid.

नंबर एट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ द दबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर सॉरी स्टेबिलिटी द इनकम फ्रॉम द रिवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुग़ल एम्पायर ओके फर्स्ट वन द सेकेंड वन द मुगल एम्पायर सॉरी सेकेंड वन रहने दीजिए फर्स्ट वन हो गया थर्ड पे आ जाइए थर्ड कीजिए the land revenue is also important for salaries of the soldiers and officials and welfare work for the commons and fourth is land revenue played a crucial role in the economy as well as administration of the mughal empire okay students i am sonu kasanu chaliye next question is ninth question एंड दैट इज वाई वॉज एंड इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसरदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वन इज इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मंसरदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर है ना The second one is, moreover, the problem of common folk would be understood better by the people living there. And the fourth one is, third short left third one. They also don't want the people to rebel against them on the issue of being a common mansavdar or privilege to Turanis and Iranis. ओके स्टूडेंट्स द टेंथ क्वेश्चन इज लेट मी रीड इट फर्स्ट लाइक द मुगल एम्पायर इंडिया टुडे इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन चलो देख लेते हैं कहाँ तक करना है हमें टुडे इंडिया फॉलो अ कल्चर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी पीपल लिविंग हेयर आर यूनाइटेड बाई द हर्ट एंड लव द डाइवर्सिटी ऑफ देयर ओन कंट्री दे कंसिडर दिस एज देर ओन मदरलैंड बस यहां तक देने दो यहीं तक मदरलैंड तक ओके दसवा नंबर इलेवन में आ जाइए पीजें वाइटल फॉर द इकोमी ऑफ द मुगल एम्पायर

अगर आप इसे समझ पाएं तो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्टूडेंट्स